हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुत्तरित है बफोर सौदे के कई प्रश्न। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखने में तो ये बहुत ही छोटे वाक्य हैं पर ये किसी के जीवन को भी बदलने में सक्षम है यदि आप इस पर गहराई से विचार विमर्श करें, इनके शब्दों को समझें कहना क्या चाहता है। आप बेशक कई प्रकार के पुराण वैदिक शास्त्र का अध्ययन किए हो तो उसमें आप कई बार ये चीज़ देखे होंगे। और जब भी आप कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे न्यायालय में जैसे, तो ऐसे शब्दों को सर्वोपरि रखा जाता है, तो वहाँ पे कहा जाता सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। देखते अनुत्तरित है बफोर सौदे के कई प्रश्न। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से बफोर सौदे के घोटाले को कहीं न कहीं राजीव गांधी के नाम से जोड़ा गया है, और जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उस समय इसके जितने भी संगठन लगे हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे आईबी हो, जो उसकी जांच में इस समय संलग्न है, वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे दिग्गज नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर कहीं कांग्रेस की साख को बचाने की कोशिश की जा रही है इसके सहारे? क्योंकि जिस दिन अगर इसका खुलासा हो गया तो कांग्रेस के पूरे परिवार के ऊपर जिस प्रकार की एक गिरी हुई राजनीति का, एक घोटाले का जिस प्रकार से आरोप लगाया जाएगा, मुझे लगता है कि उसी दिन कांग्रेस का इतिहास भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि इसे बार बार बचाया जाता हो, क्योंकि जब इसके बारे में आप बहुत ध्यान से गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि किस प्रकार से जो कांग्रेस का परिवार था, और कह सकते हैं जो राजीव गांधी फिर उसके जो समकालीन आए, किस प्रकार से इस घोटाले को बंद करने की साजिश की गई। इस घोटाले को ऐसा कहा गया कि नहीं, इसमें किसी प्रकार का कंस्पिरेसी नहीं है, ये पूरी तरह से सफ़ेद दूध की तरह है। कई प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, तो आज हम चलते हैं और बात करते हैं इसमें। देखिए बहुत ज़रूरी है जब आप किसी प्रकार की डिबेट करते हैं, खासतर इस समय हमारे देश में हो रही है कांग्रेस से और बीजेपी से, तो अगर कांग्रेस की, अगर आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, तो अगर कांग्रेस के प्रति अगर आप इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के मैटर को उठाते हैं और आप गहराई से अगर आप चीज़ों को जानते हैं, तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है सोचने पे विचार करेगा और वो आपकी बातों को मानेगा। इसे लिखा गया है सुरेंद्र किशोर जी ने। चलिए बात करते हैं। लिखा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी का नाम लिए बिना बफोर तोप सौदे की चर्चा की। इससे कांग्रेस के नेता, कुछ अन्य लोग तो लोग आपे से बाहर हो गए, लेकिन यह समझने की जरूरत की जब तक बफोर तोप सौदे को लेकर उठे प्रश्न अनुत्तरित बने रहते हैं तब तक उनसे पीछा नहीं छूटने वाला है। जनहित याचिका के रूप में अब भी बफोर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यह सभी पक्षों के हक में होगा कि सौदे से संबंधित मुकदमे को तार्किक परिणति तक पहुंचा दिया जाए। यह बात उन लोगों के हक में अधिक होगी जो यह मानते हैं कि सौदे में राजीव गांधी का कोई हाथ नहीं था, लेकिन यह तभी हो सकेगा जब उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएँ। आप इस समय चाहे YouTube के माध्यम से चाहे TV के माध्यम से आप देखते होंगे कि हमारे देश की मीडिया इतनी नकारात्मक हो गई है कि किस प्रकार से कांग्रेस जैसे परिवार को या फिर कांग्रेस के ऐसे प्रकार के जो घोटाले लगे हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे बोफोर्स का हो चाहे अगस्ता वेस्टलैंड का हो, किस प्रकार से उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मीडिया वाले हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक परिवार या एक पार्टी के द्वारा संचालित हो रहे हैं, प्रायोजित हो रहे हैं, और ये बहुत ही विडंबना है हमारे देश के लिए कि जिन्हें अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी कि आप समाज के ऐसे लोगों का आईना है, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करें जो लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, जो लोग समाज के द्वारा उपेक्षित हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, ऐसे लोगों का आप रिप्रेजेंट करेंगे। पर आज क्या है, ये लोग अपना भूल गए हैं कि नहीं, हम आईना किसके हैं। ये लोग कहीं ना कहीं सच से मुंह फेर ले रहे हैं और किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं,
और इस हद तक बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो यही सीबीआई हो, एनआईए हो, आईबी हो, जांच एजेंसियां इन्हें सौंप दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो जिम्मेदारी दी गई है आप उस पे आप अपना सच जाहिर करिए, न कि किसी की कोई अगर आपको एक बड़ी राशि मुहैया कर दिया तो उसको आप बचाने की मुद्रा में आ जाएं। इसीलिए आज हमारी जो मीडिया है, जो हमारे देश की जनता है, किस प्रकार से मुंह मोड़ ले रही है, उसे पता है ये सब बस पैसों पे बिके हुए हैं। पैसा दे दो तो अभी कहेंगे नहीं, बसपा तो इस समय पूरे राज्यों में सीट लेकर आ रही है, भले वो अन्य राज्यों में सीट ना, लोकसभा की जो उसके जो कैंडिडेट्स हैं भले वो न लड़ाई हो, कहेंगे नहीं सब जगह निकल रही है। ये आज मीडिया की स्थिति, किस प्रकार से पुलवामा को एक प्रकार से साजिश बताई जा रही है, ये खुद आजकल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन जा रहे हैं। खुद भारत सरकार की आयकर अपीली न्यायाधिकरण ने 3 जनवरी 2011 को कहा था कि बोफोर्स ठीक तोप सौदे में ओटावियो क्वात्रोची और विन चड्ढा को 41 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, ऐसी आय पर उन पर भारत में टैक्स की देनदारी बनती है। सवाल है कि उनसे टैक्स की वसूली क्यों नहीं हुई। बोफोर्स दलाली मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 फरवरी 2004 को राजीव गांधी को क्लीन चिट दी गई। अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को भी आरोप मुक्त कर दिया। इसके बाद 2009 में सीबीआई ने अदालत से क्वात्रोची के खिलाफ दायर केस को वापस चलाने की अनुमति मांगी। आखिर उसने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, और वह भी तब जब यह कहा जा रहा था कि हाई कोर्ट में ठोस सबूतों की अनदेखी हुई। यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। इस मामले को जरा शुरू से देखें। 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपये का 4000 फील्ड गन खरीद के लिए अनुबंध हुआ। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन रेडियो ने यह खबर प्रसारित की कि इस सौदे में प्रमुख भारतीय नेताओं को रिश्वत दी गई। जब यह खबर भारतीय मीडिया में जोर शोर से छपने लगी तो राजीव गांधी सरकार ने कहा कि सौदे में कोई दलाली नहीं ली गई। एक तरफ इनकार और दूसरी तरफ सबूत पर सबूत आने लगे। बोफोर्स सौदा चुनावी मुद्दा बन गया। प्रतिपक्ष हमलवार था और सरकार बचाव की मुद्रा में। 1989 का लोकसभा चुनाव बोफोर्स घोटाले पर लड़ा गया। गांव का बोफोर्स शब्द दलाली का पर्याय बन गया। नतीजा यह रहा कि राजीव गांधी सत्ता से हटे, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह सरकार के कार्यकाल में सीबीआई ने जनवरी 1990 में इस मामले में केस दर्ज किया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1999-2000 में आरोप पत्र दाखिल किए गए। आरोप पत्र में राजीव गांधी का नाम 20 बार आया। यह एक सच भी है कि जब जब कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार बनी, बोफोर्स मामले की जांच में ढिलाई बरती गई और मुकदमे को रफा दफा करने की कोशिश हुई। इसी के चलते भी बी शंकरानंद के नेतृत्व में गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कह दिया कि कोई दलाली नहीं ली गई। ठीक, विदेश मंत्री से आग्रह किया कि भारत इस मामले की जांच का इच्छुक नहीं क्योंकि मामले राजनीति से प्रेरित हैं। यह जानकारी जब भारत आई तो भारी हंगामा हुआ। माधव सिंह सोलंकी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। सोलंकी आखिर किसे बचाना चाहते थे, किससे उन्हें स्विस विदेश मंत्री से ऐसा कहने को कहा था। 18 अगस्त 2016 को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में कहा था कि चूंकि बोफोर्स तोप ने अच्छा काम किया इसलिए रक्षा मंत्री के रूप में मैंने उस केस को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ली। आखिर सीबीआई ने उनसे क्यों नहीं पूछा कि आपने किसके दबाव में ऐसा किया। याद रहे कि मुलायम सिंह यादव उस सरकार में रक्षा मंत्री थे जो कांग्रेस से के भारी समर्थन चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये है। तो जिस प्रकार से मीडिया आजकल डिफेंड कर रही कांग्रेस जैसी सरकार को, या फिर कह सकते कांग्रेस जैसी पार्टी को, कांग्रेस जैसे परिवार को, तो कहीं ना कहीं अगर देश की जो जनता है वो पूछना चाहती है उसके बदले अनुत्तरित प्रश्नों को, अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हो गया। कुछ लोग मिसाल देते हैं किस प्रकार से 1999 में लगभग 1997 को इसमें संदेह की बहुत कम है कि बोफोर्स तोप सौदे की दलाली को छिपाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री कार्यालय सक्रिय था। देख रहे हैं, मुझे बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी को बचाने के लिए ऐसा किया गया। सुंदर जी ने यह भी कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री राज अरुण सिंह सरकार से इस्तीफा देने के बाद भी मेरे पास आए और कहा कि केवल एक व्यक्ति की खाल बचाने के लिए इस प्रकरण को छिपाया गया। जाहिर है कि वह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे। सोचिए,
तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार एक दूसरे की को कह सकते हैं बचाने की कोशिश करती है। अब हम बात करते हैं परीक्षा तंत्र में तब्दील होता शैक्षिक तंत्र। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अभी आपको पता है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद CBSE का आया है, और कल परसों ICSE का आया, शायद कल ही आया है ICSE बोर्ड का। तो जिस प्रकार से हमारे देश में जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं या फिर जिन बच्चों का नंबर कम आ जा रहा है, वो किस प्रकार से गलत रास्तों पे चले जा रहे हैं, या तो गलत रास्ते अपना ले रहे हैं या फिर फांसी या फिर जहर किस तरह से अपने जीवन को समाप्त कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो ये परीक्षा तंत्र शैक्षिक माहौल को ख़राब कर रही है, उस पर बहुत बड़ा संदेह होता है। आप उस ज़माने को याद करिए दोस्तों, जब लोग सेकंड डिवीज़न पास होते तो कितनी खुशी होती थी, मानो कि हम मतलब उस दिन अपने खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। पूरे गांव में जाकर शोर करके, पूरे मोहल्ले में जाके हम किस प्रकार से बताते थे, माताजी, दादाजी, चाची जी, हम पास हो गए। तो इस प्रकार की उस समय खुशी होती थी, क्योंकि उस समय ये मीडिया इतनी सक्रिय नहीं थी कि मीडिया बार बार चैनलों पे दिखाए इन्होंने ये इतना नंबर 91% लाया, 99% लाया, और जिन लोगों ने 90 के नीचे पाया है उनका भविष्य खतरे में, भविष्य खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश में ये जानते हैं, ये जो किताबी कीड़ों के रूप में जो तब्दीली की जा रही हमारे देश में, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये सेंध लगा रहा है। आज 250 भी शिक्षण संस्थानों में हमारे देश का नाम नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि हम अपने लोगों को रोबोट बना दिए हैं। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे जो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, कम उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं, कम उम्र में तमाम तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, 30 की उम्र में डायबिटीज़ हो जा रही है। ये क्यों हो जा रही हैं? क्योंकि आज हेल्थ को नकार करके जिस प्रकार से एक रोबोट, एक मशीन तैयार की जा रही है हमारे देश में, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर हम प्रश्न करें शिक्षा के ऊपर, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो शिक्षा के ठेकेदार बने हुए हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, मतलब कुछ ऐसे ठेकेदार हैं कि अगर आप पैसे दे दें तो आपको विद गारंटी 90% तो ला के दे देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहना, जो बच्चे दिन भर पढ़ रहे हैं वो 70% पे सिमट जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नकल साधन की सहायता से 90 लेकर आ रहे हैं, जो कभी कुछ पढ़े ही नहीं। और जिस प्रकार से ये दबाव बनाया जा रहा बच्चों के ऊपर, तो ये कहाँ तक सही है? इसमें भी सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की मानसिक दबाव अगर आप बनाएंगे तो बच्चा मशीन बन के रह जाएगा, वो देश के सुधार के लिए और आने वाली पीढ़ियों में देश में भागीदार नहीं बन सकता, क्योंकि आपने मानसिक रूप से उसको इस त्रासदी में डाल दिया है कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। तो इससे आप बचें। और एक ये देख लीजिए आप, EBM विरोधी मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 21 विपक्षी नेताओं की मांग को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उनका कहना था कि जो भी इलेक्शन में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें तकरीबन 50% VVPAT लागू किया जाए, तो अब तो मुश्किल है। जैसा कि आपको पता, आधे से सीटों के चुनाव हो चुका है, अब वो लाना अनुचित है। तो इस चीज़ को पहले ही समझ लेना चाहिए था। ये जानते कुछ समाज के कुछ शरारती तत्व हैं जो ये मजा लेना चाहते हैं कि नहीं, किसी प्रकार से एक सैनरो क्रिएट करो कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कोई ना कोई संदेह है। मतलब जब आप अपने राज्यों में जीत जाते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है, और अभी रिसेंटली जो बनी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सरकारें चुनी गई हैं वो है कांग्रेस की, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, कोई हैक नहीं हुआ, पर अब हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ शरारती तत्व तो इन पे ध्यान न दें, और अगर जो भी व्यक्ति हो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अगर इस प्रकार के बयान दे दे कि नहीं हैक हो गया ना, तो समझ लीजिए वो किस मानसिकता का है और उसके पास दिमाग कितना है। ऐसे लोग बस समाज को असमंजस में डालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।